अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। इस चैप्टर में हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूले का नाम है हमारे पास रोड्रिगेज फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका आज हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ की जाना बढ़ते हैं, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे एक सपोजिशन के साथ। लेट कर लेते हैं, लेट यू इज इक्वल टू, ये जो आपके पास फंक्शन है इसको हम मान लेते हैं यू के इक्वल, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन। इसका लेते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ जाएगा आपके पास यू वन विच इज इक्वल टू एन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन माइनस वन। फिर पावर को छोड़कर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू एक्स विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं टू एन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का वन, पावर अलग अलग कर दी तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू वन विच इज इक्वल टू टू एन एक्स इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। माइनस था नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस का, अब ये डिवाइड इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू यू वन विच इज इक्वल टू टू एन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर एन, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास क्या है यू के इक्वल है। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर वन का। अब हमने इक्वेशन नंबर वन को एन प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, इस पर हम अप्लाई करेंगे लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम वही थ्योरम है जो हमने कैलकुलस में एक्सरसाइज 2.5 में एक्सरसाइज में सीखा हुआ है। जब भी हमने एंथ डेरिवेटिव मालूम करना हो तो हम लेबनीज़ थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास क्या है दो फंक्शन होना ज़रूरी है। तो आपके पास क्या है जी, हम लेट वाई इज इक्वल टू यू वी, दो फंक्शन है और दोनों के दोनों आपस में क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होने चाहिए। इसका हमने मालूम करना है एंथ डेरिवेटिव, डी एन वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स एन, डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन इन टू यू वी विच इज इक्वल टू। अब हम लेबनीज़ थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, यह देखा आपके पास एन सी जीरो, यू का हम लेते हैं nth डेरिवेटिव वी एज इट इज, प्लस एन सी वन, यू का हम एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं और वी का एक डेरिवेटिव बढ़ा देते हैं, प्लस एन सी टू, अब u का एक और डेरिवेटिव कम कर देती है बनेगा आपके पास n माइनस टू, वी का एक डेरिवेटिव बढ़ा दीजिए बनेगा आपके पास v2, प्लस अप टू सोन, ये आ जाएगा आपके पास एन सी एन। अब u का u फंक्शन हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और v का लेंगे हम nth डेरिवेटिव। यही काम हमने इस फंक्शन पर करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन अप टू n प्लस वन टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास इस फंक्शन को मैं सॉल्व करने लगा हूँ, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है n प्लस वन टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास n प्लस वन सी ज़ीरो और u u वन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव पहले मौजूद है, जब हम इसको n प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा आपके पास n प्लस टू टाइम्स। देखो ना हमारे पास डेरिवेटिव होता है डी वाई ओवर डी एक्स, इसका सेकेंड डेरिवेटिव लो ये बन जाएगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स के आ जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे ये बन जाएगा आपके पास डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। अब हमारे पास यू वन डेरिवेटिव पहले मौजूद है, जब इसको हम एन प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास यू एन प्लस टू टाइम्स हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा आपके पास एन प्लस वन सी वन और यू का एक डेरिवेटिव कम कर दीजिए बन जाएगा आपके पास यू एन प्लस वन, इसका लेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये बन जाएगा आपके पास टू एक्स, प्लस आ जाएगा आपके पास एन प्लस वन सी टू, अब यू का एक और डेरिवेटिव कम कर दीजिए बन जाएगा आपके पास यू एन, इसका लेना हमने सेकंड डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव टू एक्स है तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा टू, थर्ड डेरिवेटिव लेंगे जीरो आ जाएगा, लिहाजा यहीं पर हमारे पास स्टॉप हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है टू एन कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं जी, इसको भी हमने एक्स और यू को डिफ्रेंशिएट करना है एन प्लस वन टाइम्स, ये बन जाएगा आपके पास n प्लस वन सी ज़ीरो, अब u का आपके पास आ जाएगा n प्लस वन डेरिवेटिव और x एज इट इज़, प्लस n प्लस वन सी वन, अब u का एक डेरिवेटिव कम कर देते हैं, x का डेरिवेटिव लेना हमने फर्स्ट तो ये आपके पास आ जाएगा वन, तो मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं n प्लस वन सी आपके पास वन के इक्वल ही होता है, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन
इनटू आपके पास आ जाएगा यू एन प्लस टू प्लस एन प्लस वन सी वन, आपके पास क्या होता है एन प्लस वन के इक्वल ही होता है, और ये आ जाएगा आपके पास टू एक्स और यू एन प्लस वन आ जाएगा प्लस, अब आपके पास एन प्लस वन सी टू, ये इक्वल होता है हमारे पास एन इन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आना था टू का फैक्टोरियल भी आना था, तो ये आपके पास आ जाएगा यू एन डॉट टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल टू टू एन इन टू आपके पास आ जाएगा एन प्लस वन सी, आपके पास सी जीरो, ये आपके पास वन के इक्वल होता है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स यू एन प्लस वन और प्लस आ गया आपके पास एन प्लस वन सी वन, ये आपके पास इक्वल होता है एन प्लस वन के इक्वल होता है, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा यू एन आ जाएगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू आपके पास आ जाएगा यू एन प्लस टू, और आपके पास आ जाएगा प्लस टू एक्स इन टू एन प्लस वन, और साथ में आ जाएगा आपके पास यू एन प्लस वन। अब ये आपके पास आ जाएगा प्लस एन इन टू एन प्लस वन, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा यू एन विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास टू एन एक्स और साथ में आ जाएगा यू एन प्लस वन, टू एन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा आपके पास प्लस टू एन इन टू एन प्लस वन और साथ में आपके पास आ जाएगा यू एन। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू एन यू एन प्लस टू और प्लस आ गया आपके पास, अब यू एन प्लस वन देखें यहाँ पर भी है, यू एन प्लस वन यहाँ पर भी है हमारे पास, तो टू एक्स इधर भी है टू एक्स इधर भी है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं टू एक्स को कामन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एन प्लस वन, जब भी हमारे पास क्या लेफ्ट की जानब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का एन रह गया, बाकी अब हमने कामन ले लिया एन प्लस वन भी। अब यू एन यहाँ पर भी है यू एन यहाँ पर भी है तो प्लस आ गया आपके पास, अब यहाँ से हम क्या करेंगे यू एन कामन ले लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास एन स्क्वायर और प्लस का एन, जब ये लेफ्ट की जानब आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास माइनस का टू एन स्क्वायर और माइनस का टू एन इन टू यू एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू यू एन प्लस टू प्लस माइनस का प्लस का एन कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स यू एन प्लस वन रह गया प्लस एन स्क्वायर प्लस का माइनस टू एन स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का एन स्क्वायर प्लस का माइनस का माइनस का एन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यू एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू यू एन प्लस टू प्लस टू एक्स यू एन प्लस वन, यहाँ से माइनस एन कामन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एन प्लस वन इन टू यू एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। तो अगर हम क्या करें ये वाली इक्वेशन देखें तो हमारे पास लेजेंडर इक्वेशन बन रही है, कब बनेगी जब हम इस सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू यू एन प्लस टू, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बन गया आपके पास टू एक्स यू एन प्लस वन और माइनस से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा आपके पास प्लस एन इन टू एन प्लस वन इन टू यू एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। ये आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी टू यू एन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपके पास टू एक्स और ये बन जाएगा आपके पास डी यू एन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी एक्स प्लस एन इन टू एन प्लस वन इन टू यू एन विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है डी यू एन ओवर डी एक्स, मैंने लिख दिया इसको, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा यू एन का तो ये मेरे पास बनेगा यू एन प्लस वन ही बनेगा, सेकंड डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा यू एन प्लस टू आ गया। ये हमारे पास क्या बन गई है लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन ये बता रही है कि हमारे पास जो यू एन है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या है एक सोल्यूशन है विच इज़ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू का। अब यू एन इसका सलूशन है, इसका सलूशन इस वजह से है क्योंकि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं कहूँ एक्स इक्वल टू माइनस वन, इस इक्वेशन का हमारे पास क्या सलूशन है, तो अगर मैं एक्स का माइनस वन पुट करूँ माइनस वन प्लस वन, ये हमारे पास क्या आ जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो माइनस वन इसका सलूशन ही हुआ।
अब यू एन भी हमारे पास क्या है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है हमारे पास सोल्यूशन है। एक तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, यू एन आ गया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो पी एन ऑफ एक्स होता है वो भी हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। इसका मतलब है यू एन में और पी एन ऑफ एक्स में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो लिखते हैं हमारे पास एज यू एन इज द सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, आल्सो वी नो दैट पी एन ऑफ एक्स इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों के दोनों आपके पास क्या है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, वी हैव, यहाँ से आपके पास आ जाएगा यू एन विच इज़ इक्वल टू सी पी एन ऑफ एक्स। हमने उस रिलेशन को सी कांस्टेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब हमें वैल्यू चाहिए इस सी की, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यू एन। अब आपके पास क्या है, यू एन क्या है, डी एन डिवाइडेड बाय डी एक्स एन। U की वैल्यू आपके पास थी x स्क्वायर माइनस वन होल की पावर आपके पास क्या है n। इसका अब हमने लेना है nth डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी एन डिवाइडेड बाय डी एक्स एन इंटू एक्स प्लस वन इसकी पावर n इंटू एक्स माइनस वन इसकी पावर n। इस पर भी हम अप्लाई करेंगे लेबनिट्ज़ थ्योरम। इसको हम लिख सकते हैं ना a माइनस बी ए प्लस बी, तो पावर हमने अलग अलग कर दी। इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अप्लाइंग लेबनिस थ्योरम, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा सी पी एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन, ये वाला फंक्शन हम एज इट इज लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास एन सी ज़ीरो, और हम nth डेरिवेटिव लेंगे डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन इंटू एक्स माइनस वन होल की पावर n का, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा एन सी वन, और इसका हम एक डेरिवेटिव कम कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास डी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डी एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन होल की पावर एन। इसका हम ले लेना है एन माइनस वन डेरिवेटिव, और इस फंक्शन का लेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल की पावर एन, प्लस हमारे पास आ जाएगा एन सी टू, और इसका हम n माइनस टू वाला डेरिवेटिव लेंगे, या जाएगा आपके पास डी एन माइनस टू डिवाइडेड बाय डी एक्स एन माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन होल की पावर n, और इसका हम लेंगे सेकंड डेरिवेटिव डी टू डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन होल की पावर n प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा प्लस एन सी एन। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वन को एज इट इज़ लिख लेंगे, x माइनस वन होल की पावर n एज इट इज़, और nth डेरिवेटिव लेंगे हम डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन इंटू एक्स प्लस वन होल की पावर n का। अब हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से आपके पास आ जाएगा सी पी एन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन होल की पावर आपके पास कितनी है n, और n से जीरो आपके पास क्या होता है, वन होता है, क्योंकि हमने इसका लेना है nth डेरिवेटिव x माइनस वन होल की पावर n। तो ये हमारे पास आएगा x माइनस वन होल की पावर n, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा n इंटू एक्स माइनस वन इसकी पावर n माइनस वन, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन एक्स माइनस वन होल की पावर n माइनस टू, अप टू सो ऑन। इस तरह से इसके डेरिवेटिव लेते जाएंगे, या मान जाएगा आपके पास n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन थ्री टू और वन एक्स माइनस वन की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो इसका तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल, इसका डेरिवेटिव आपके पास कौन सा आ गया, एन फैक्टोरियल आ गया। प्लस अब हम बात करते हैं इसकी, एन सी वन डी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय डी एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन होल की पावर एन। हमने एंथ डेरिवेटिव लिया एक्स माइनस वन होल की पावर एन का, तो हमारे पास एन फैक्टोरियल आया। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे एन माइनस वन टाइम्स, तो हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल आएगा। n टाइम्स जब डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास पावर बची थी x माइनस वन होल की पावर 0,
यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, x माइनस वन होल की पावर वन। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास डी एन माइनस टू डिवाइडेड बाई डी एक्स एन माइनस टू टाइम्स, तो आपके पास आएगा एन माइनस टू का फैक्टोरियल और साथ में आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस वन इसका स्केयर। इसी तरह से आपके पास एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल आएगा इन टू एक्स माइनस वन इसकी पावर थ्री आएगी, प्लस अप टू सेवन इस तरह से चलते जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए, एन फैक्टोरियल आना चाहिए, एन फैक्टोरियल हमने बना लिया। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, पुट एक्स इज इक्वल टू वन, यहाँ पर पुट कर दें, वन माइनस वन आपके पास क्या हो जाएगा ज़ीरो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपके पास ज़ीरो, ये सारे के सारे आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, जस्ट आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वन होल की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल आ जाएगा। एक्स इक्वल टू वन हमने यहाँ पर भी पुट करना है और यहाँ पर भी पुट करना है, यह आ जाएगा आपके पास सी पी एन ऑफ वन विच इज इक्वल टू वन प्लस वन आपके पास टू आ जाएगा, टू की पावर एन इंटू आपके पास आ जाएगा एन का फैक्टोरियल, और हमारे पास पी एन ऑफ वन ये वन के इक्वल होता है। तो यह आ जाएगा आपके पास सी डॉट वन सी आ जाएगा विच इज इक्वल टू टू की पावर एन, और यह आ जाएगा आपके पास एन का फैक्टोरियल। अब ये आपके पास क्या आ गई जी, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम क्या कर दें, इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर थ्री हमारे पास सी पी एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यू एन आ जाएगा, और सी की वैल्यू आपके पास आई है टू की पावर एन इन टू एन का फैक्टोरियल पी एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यू एन है हमारे पास डी एन डिवाइडेड बाई डी एक्स एन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर आपके पास क्या है, एन है। हमने पी एन ऑफ एक्स मालूम करना है, यह आ जाएगा आपके पास पी एन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड टू की पावर एन एन का फैक्टोरियल डी एन डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा डी एक्स एन इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर कितनी आ गई आपके पास, एन। ये आपके पास क्या आ गया, रोड्रिजेस फार्मूला आ गया विच इज रिक्वायर्ड रोड्रिजेस फार्मूला। ये जो आपके पास फार्मूला आया ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसकी रीजन ये है कि हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेकर हम डिफरेंट डिफरेंट लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं उसके लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। अब इस फार्मूले में हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। जब मैं पुट करता हूँ, पुट एन इज इक्वल टू ज़ीरो इन नंबर ए, तो यह रहेगा आपके पास पी नॉट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर टू की पावर जीरो, वन आ गया, जीरो का फैक्टोरियल वन होता है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन होल की पावर आपके पास क्या है, जीरो है, तो आपके पास कितना बन जाएगा, वन आ जाएगा। तो सारे के सारे आपके पास क्या आ गया, वन आ गया। पी नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, वन आ गई है। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू वन इन नंबर ए, यहाँ पर पुट कर दिए बन जाएगा आपके पास पी वन ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर टू की पावर वन आपके पास टू आ जाएगा, और वन का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, वन ही होता है, ये बन जाएगा आपके पास डी ओवर डी एक्स आ जाएगा इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, वन ओवर टू आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, टू से टू कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास पी वन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास एक्स आ गई है। अब हम पुट करते हैं, पुट एन इज इक्वल टू टू इन ए, ए में पुट करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास पी टू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर टू की पावर टू कितना आता है आपके पास, फोर, और टू का फैक्टोरियल आपके पास टू ही होता है, ये बन जाएगा आपके पास डी टू डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हमने लेने जी सेकंड डेरिवेटिव तक। अब हमने इसके फाइंड आउट करने हैं दो डेरिवेटिव, पी टू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर एट, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका स्केयर ओपन कर लेते हैं, ए का स्केयर माइनस टू ए बी और प्लस क्या जाएगा आपके पास बी का स्केयर, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पी टू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन ओवर एट, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा फोर एक्स क्यूब और माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास फोर एक्स आ जाएगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, पी टू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वन बाई एट इन टू ये आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर और माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 बाई एट इंटू थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा। तो पी टू ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पी टू ऑफ एक्स 1 बाई टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का x आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू निकालनी है, मैंने वैल्यू लिख दी है पी थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल
टू 4 के लिए, n इज इक्वल टू 5 के लिए, कम अज कम आपको पांच वैल्यूज जबानी याद होनी चाहिए। तो पी फाइव ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस आ गया, पी फोर ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, दिस आ गया। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया।